रहने की तो जगह नहीं है। रहने का जगह नहीं है, ऐसे छप्पर में रहते? छपरी में रहते, झोपड़ी में। बार बार आते हैं, उजाड़ देते हैं, लोग के सड़क पर फेंक देते हैं, हमको घर रहने का नहीं मिलते है। जी भूमियार है तो भूमियार बोलता है, जब आएगा तब हमको मर्द के चल जाता है, जब आता है सबको पीट के चल जाता है। रात में लाइन कट जाते तो मोमबत्ती बारते हैं, दीरी में पलिस्ता देखो जैसे दीपावली मनाते हैं उसे घर में बार देते। हमको जात का कोई नहीं पढ़ाता है, खाली बोलता है कि जो आपको पढ़ाएगा वो पढ़ाने के लिए। सपना रहता था जो पढ़ लिख के हम बहुत आगे बढ़ेंगे, पर क्या करें, यहाँ हम गरीब दुखिया हैं, कैसे हमको माई पढ़ाएंगे। इतना बहुत भारी पड़ गया महादलित तो सबका की काम करो, बम गिरा के सबको पूरा झरका के मार दो। ललिन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। लोकसभा चुनाव 2024 कवर करने के लिए दी ललिन टॉप की टीम बिहार पहुंची है। इस वक्त हम बिहार के बेगूसराय में हैं। बेगूसराय में हम राजौरा गांव आए हैं। मेरे पीछे आपको जो घर दिख रहे हैं, जो कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, ये सब मुसहर समाज से आते हैं। मुसहर समाज बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है, महादलित समुदाय है, उस समुदाय में आने वाले लोग हैं। और ये उस मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम उस जाति से आते हैं जिस जाति से जीतनाम मांझी आते हैं, जिस जाति का व्यक्ति बिहार का कभी मुख्यमंत्री रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं। पहले तो आप इन घरों का हाल देखिए, इसलिए हाल देखिए क्योंकि बिहार सरकार ने जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी अभी एक जातिगत जनगणना करवाई थी और उसका सर्वे का डेटा रिलीज़ किया था। उस डेटा के मुताबिक बिहार में 45% जो मुसहर समाज के लोगों के घर है वो इसी तरह के हैं, वो ऐसे ही झोपड़ियों में रहते हैं। ये सरकारी डेटा है जो अभी अभी आया था, अब आगे की सच्चाई क्या है, डेटा कितना सही है या नंबर उससे भी ज़्यादा है, ये तो जानकारी बता पाएंगे। हम इनसे बात करके इनकी जीवन शैली क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? संजू देवी। संजू देवी, आप यहीं रहती हैं इसी बस्ती में? हाँ। कब से रहती हैं आप यहाँ? 10-15 साल हमको हो गया आने के। 10-15 साल, उसके पहले कहाँ रहती थी? नैहर। वो किधर पड़ता है? रसरा इधर है। हाँ जी, समस्तीपुर जिला पड़ता है। अच्छा। हाँ, रसरा थाना है उसी। फिर उधर से इधर कैसे आना हुआ? कैसे, हमको उधर से आने थे तब हम आए थे। हाँ, हमको शादी करके लाए थे तब आए थे इस जगह। अच्छा, शादी के बाद आप इधर आए? हाँ। मायका अभी भी उधर है? हाँ। जाती है उधर? हाँ जाती है। कब जाते हो? जाते हैं 2 साल में, 1 साल में जाते हैं। हाँ। उधर ज्यादा अच्छा लगता था या इधर? उधर तो अपन घर है, नैहर है तो अच्छा तो नहीं लगता है, जिस जगन कर देता है वही ना अच्छा लगेगा। कष्ट होगा चाहे सुख होगा दुख होगा, नैहर अथी ससुरारे में अच्छा लगेगा। कितनो भी कुछ भी झोल के मज ससुरारे में रहता है लोग, नैहर में थोड़के रहता है। लेकिन सुख सुविधा कहाँ ज्यादा अच्छा था, घर और ये सब उधर अच्छा था या उधर भी ऐसा ही था जैसा इधर है? जैसे इधर है वैसा ही उधर है। मज इस जगह का स्थिति बहुत उधर अच्छा है, सबके एक एक कट्ठा जमीन मिला था, सबके जोतने का जमीन है, बुनने का है, महादलित है, सबके सुरक्षा उधर मिल जाता है। इस जगह जिस दिन से आए थे हम उस दिन से इस जगह ने बार बार आते हैं, उजाड़ देते हैं, लोग के सड़क पर फेंक देते हैं, हमको घर रहने का नहीं मिलते है, अथी मासूम बच्चा गुजर जाते हैं इस जगह से, इसको अथी करने के लिए कोई भी नहीं थे। हमको क्या है, हम कमाते हैं खाते हैं, 100 रुपया मिलता है उसमें हम कपड़ा लता लेते हैं कि डॉक्टर वैद्य करते हैं कि खाते हैं कि जमीन हम कर देते हैं। इस जगह सस्ता जमीन रहता है तो खरीद लेते हैं, 12-13 लाख, 14 लाख मिलता है, उसमें हम कैसे खरीदेंगे, कैसे बाल बच्चा चलाएंगे, कैसे सब चीज करेंगे, हम कैसे हम खरीदेंगे सब कुछ। बोलता है इतना लोग जमीन खरीदता है अथी करता है, अगर मजदूरी मिलता है उसमें सब चीज हम चला के जमीन खरीद के हम घर मकान बना कर रहते हैं।
तो फिर हम क्या करेंगे, 100 रुपया कमाते हैं, वो सब चीज में खाने पीने में लग जाता, उसमें पुरता नहीं है, बच्चा कपड़ा नहीं पुरता, महंगाई का समय हो गया, उसमें क्या चीज पुरता है। 100 रुपये तो सब्जी बिकता है, 100-150 रुपये किलो, उसमें क्या हमको बचा। भर दिन कमाते हैं तो 100 रुपया हमको मिलता है, बाले बच्चा मिल के कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखल रहते हैं। इधर आपका घर ये बोलकर तोड़ते हैं कि ये सरकारी नहीं है, मतलब वैध नहीं है, इलीगल है, ये बोलते हैं ना कि ये आपका जमीन नहीं है इसीलिए हटा देते हैं यहाँ से। बोलता है क्या, आप वो सब जन्माता है जमीन ले करके, महादलित जन्माता है जमीन नहीं ले करके, उसको जमीन कहाँ से जमीन ले कर जन्माता है। जी भूमियार है तो भूमियार बोलता है, जब आएगा तब हमको मर्द के चल जाता है, जब आता है सबको पीट के चल जाता है, हमको रहने के लिए ना बार बार आता है, कहता है झोपड़ी तोड़ देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे, नहीं रहने के लिए दे। उसको लिए जमीन जन्माता है धरती पर, तो उस जमीन ले कर जन्माता है। हम भी लोग जन्माते हम भी नहीं जमे, उसको जितना अधिकार है हमको, हमको है तो हमको इतना अधिकार चाहिए। सरकार पूरा इलाका में जमीन बांट दिए थे, रजौरा इतना दूर रजौरा है, 100-150 घर है, उसको लिए हमको लिए बसाने के लिए उसको जमीन नहीं था, इस जमीन नहीं है, इस गांव सीलिंग के जमीन नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इतना इतना बहुत भारी पड़ गया महादलित, तो सबका की काम करो, बम गिरा कर सबको पूरा झरका के मार दो, खत्म खिस्सा हो जाएगा, जिसका जमीन है उस ले लीजिएगा, सरकारे का रोट लग जाएगा। वो कह रही हैं कि महादलित समुदाय कोई बिना जमीन लिए पैदा होता, और अगर हम इतना ही आपके लिए भारी हैं, आप बार बार आकर यहाँ बुलडोजर चलाते हो, घरों से हटाते हो, तो आप हमको ही हटा दो, हम ही नहीं रहेंगे। यहाँ कोई सरकारी योजना का फायदा मिलता है, राशन वाशन मिलता है आपको, राशन कार्ड है? राशन कार्ड है तो राशन कार्ड मिलता है, 2 जीव के मिलता है, बाल बच्चा है उसको नाम नहीं जुड़ा था, 10 किलो मिलता है, वही में 5-6 जीव खाते हैं, कैसे चलेगा। 5 किलो का मिलता है, वो 5 किलो में 4 किलो मिलता है, वो कितना दिन चलेगा। 5 किलो में 4 किलो, हाँ 4 किलो मिलता है, 2 किलो का अति कटता है, उसमें कैसे गुजारा चलता है। और दीदी ये जैसे प्रधानमंत्री है तो वो कहते हैं घर बना कर दे रहे हैं, शौचालय बना कर दे रहे हैं, इधर किसी का बना है? किसको नहीं बना था, पुराना खपरा है, पुराना बुढ़ा हो गया है, उसको नाम से घर है, उसको बेटा हुआ है, 5 बेटा है, तो उसी घर में रहता है, लड़ झगड़ के अति कर रहता है, हमको कोई नहीं देखने वाला है। एगो था उजारा था घर, तो लाल झंडा वाला हमको मदद दिए थे, सब चीज़ के मदद करे थे, उस दिन से वो साथ दिए थे, हर चीज़ मुसीबत में आते हैं, खार होते हैं सब चीज़ करने के लिए, नहीं तो हमको कोई नहीं है, न मुखिया न वार्ड, कोई भी नहीं हमको देखने वाला है, सब अपना अपना का अति चलता है, हमको कोई गरीब लोग का कोई नहीं देखने वाला है, कैसे खाता है कैसे रहता है, सबको जब वोट का बारी आता है जीतने का आता है, बोलता हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चलो जा कर के देखो कितना साल का अति मकान पड़ा हुआ है, खपरा वाला घर, सब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा का बाल बच्चा होगा तो उसी में सब लड़ झगड़ के रहता है, कैसे कैसे करें दिक्कत से। शहर गांव जमीन मिलता है, रजौरा में जमीन नहीं है, रजौरा में खोजेगा तो जमीन नहीं मिलेगा, सब गांव सीलिंग के जमीन है, इस गांव नहीं है, हेरेगा सरकार तब नहीं होगा। इधर अब तक सरकार ने क्या दिया, जैसे मैं गांव में आई तो मैंने देखा चापाकल लगाए, एक एक सरकारी चापाकल लगाए ना इधर, हाँ ये बहुत दिन पहले दिए थे, आप नहीं मिले थे, सब सब कमाते हैं वही में रुपया बचा बचा रखते हैं, तो आप अपना अपना अंगना में पानी बहाने के लिए नहीं सुविधा है, हम अपना अपना अंगना में कल गराते हैं, अपन मजदूरी कमा करके घाम पसेना छोड़ा करके पानी पिए में जितना दिक्कत है, तो हम लोग जानते हैं एगो कल है पूरा टोला के लोग इसमें पानी पीता है, कभी खराब हो जाएगा तो उसमें क्या करे, एक ठो कल वह है एक ठो कल उधर है, हाँ वो तो भूमियार है तो तोड़ के हटा दिया था, तो एक ठो कल है, रात बिरात के हम पानी ली इस जगह आते हैं पूरा लोग, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हमको मिला। बिजली है इधर? हाँ बिजली है। आपके घर पर आता है? हाँ सबके घर पर बिजली का कनेक्शन है, हाँ जिसको जिसको नाम है उसी उसी को बिजली देता है, नहीं तो जिसको नहीं नाम है उसको नहीं जोड़ने के लिए देते हैं, मन उसको होता है तो तार काट देते हैं, मन होता है तो बस जोड़ देता है, ऐसे करता है सब। मतलब जब सरकार इसको इलीगल बताती है तो सवाल यही उठता है कि आप यहाँ जब हम इस गांव में अंदर आ रहे थे तो आपने यहाँ पर जो चापाकल लगाया उसके आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, और जो अपनी उपलब्धि के तौर पर सरकारें बताती है कि हमने ये काम किया है, वैसा वहाँ पर पत्थर पर लिखा हुआ है कि नीतीश सरकार ने ये किया है, तो जब आप यहाँ ये सारी व्यवस्थाएँ दे रहे हो तो आप यहाँ आवाज़ क्यों नहीं दे सकते, आप यहाँ पर शौचालय क्यों नहीं दे सकते, जो बाकी
बेसिक, इसको सुख सुविधा कहना भी अपने आप में अतिशोक्ति होगी कि बेसिक जरूरत की चीजें आप क्यों नहीं दे सकते। आपके घर में कितने लोग हैं? हमको घर में, हाँ, हमको घर में हमें दो गतनी थे, हाँ, दो गतनी थे, दो दो बेटा था, हाँ, बता रही है, दो दो महिलाएं थी और दो बेटे थे। हाँ, दो दो बेटा था, एक घर था, उसमें गोतनी का बेटा रहेगा कि हमको रहेगा कि हम रहेंगे कि हमको ससुर रहेगा, उसमें कैसे करके हम सब रहेंगे। आपके पति क्या काम करते हैं? पति क्या काम करते हैं? वही काम, बाहर जाते हैं, मिस्त्री वाला काम करते हैं, जोरैया उरैया वाला करते हैं, वो बाहर बाहर जाते हैं तो करते हैं, इस जगह आते हैं तो कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखल रहते हैं, क्या करेंगे गरीब लोग। बच्चे स्कूल जाते हैं? अभी छोटा छोटा बच्चा है, कैसे जाएगा? कितने बड़े, कितने साल के? छोटा है, बहुत बहुत ही छोटा है। यहाँ इस गांव के जो बाकी बच्चे, ये लोग स्कूल जाते हैं? स्कूल में कौन पढ़ाता है? स्कूल में हमको जात को कौन देखने आता है? जाता हमको जात का कोई नहीं पढ़ाता है, वो अपना अपना जात ले सब अति होता है। इस जगह के बच्चा जाते हैं ना, खाली उसको बैठा करके रखते हैं, उसको पढ़ाते नहीं है। क्या चीज के सरकार हमको सुविधा दिए थे? क्या चीज के? कुछ भी के नहीं। जाते हैं तो सब मास्टरनी मैडम सब खिस्सा करते हैं, हमको बच्चा कैसे, खाली बोलता है कि आपको पढ़ाएगा, वो पढ़ाने के लिए हमको बच्चा कौन स्कूलों में देखता है? तो बच्चा नहीं जाता है, मारता है, जितना न मारता है तो वो बुझता है कि इतना मारेंगे तो पढ़ने के लिए नहीं आएगा, पैर घूर के भूमियार के पढ़ाता है कि दूसर जात का पढ़ाता है कि मुसर जात का पढ़ाता है, बच्चा आगे बढ़ने के लिए देवे नहीं करते हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या चीज का सुरक्षा है? आंगनबाड़ी या चाहे वो स्कूल, कुछ भी एक नहीं है। आशा दीदी वगैरह आते हैं इधर? आशा दीदी आते हैं, आशा दीदी का काम लगे थे तब आते हैं, किसी को काम लगता है न तब इस जगह आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, कोई भी नहीं देखने वाला। अभी अभी जैसे चुनाव होने, वोट मांगने आया है कोई? अभी तक तो नहीं आया था। नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। किसी भी पार्टी का कोई नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। आपको पता है इधर से कौन सांसद है? नाम सुने हो? हम भी नहीं जानते हैं अभी कौन है, नहीं नहीं। गिरिराज सिंह का नाम सुना है? हाँ, उसको तो सुना है। सुना है? कौन है वो? कभी कभी देखा है? अच्छा, इधर हम नहीं देखे थे, ये लोग देखे थे, हम नहीं पता, हमको मालूम नहीं था, हम नहीं देखे थे उसको। नहीं, इधर अभी वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, इधर नहीं आया थे। क्या नाम है दीदी आपका? मेरे पिंकी देवी। पिंकी देवी दीदी, कब कब शादी हुआ आपका? मेरे 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आपका मायका किधर है? बकरी। बकरी में? हाँ। तो ये तो पास में ही पड़ता है बकरी। हाँ। अभी जाती हो मायके में? हाँ, जाते हैं। कब जाते हो? साल में एक बार। एक बार? हाँ। कब? राखी के समय? राखी के समय नहीं तो ऐसे ऐसे ही। हाँ। जब छुट्टी वुट्टी लगता है। हाँ, कौन कौन है दीदी आपके घर में? मायके में? नहीं नहीं, इधर इधर वाले ससुराल में। मेरे सास, हाँ, एक पति, एक माँ, एक भाई, दो, एक देवर। एक देवर है? ससुर नहीं है? ससुर गुजर गए। गुजर गए। तो घर पे कौन कौन कमाता है? मेरे घर में तो मेरे पति। अच्छा। सब अलग अलग है, तीन है, तीनों भाई अलग अलग है। तीनों भाई अलग अलग है। तीनों का शादी हो गया? तीनों का शादी हो गया। अच्छा, आपके कितने बच्चे? तीन। तीन बच्चे हैं। कितना लड़का और कितना लड़की? दो लड़का एक लड़की। लड़का कितना बड़ा है? एक ये है, एक छोटे ही है। और लड़की? लड़की और छोटी है? नहीं, बारी सबसे बारी है। कितनी बड़ी है वो? लगभग मेरे 11 साल हो गए, शादी का 10 साल का लड़की है। अच्छा, कहाँ है लड़की, कहाँ है आपकी लड़की? गाछी में घूमने गए खेलने के लिए। स्कूल जाती है वो? जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? तीसरी। तीसरी में पढ़ती है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। तो पिंकी दीदी, क्या दिक्कत है आपके जीवन में? कोई समस्या है? इधर रहने की जगह नहीं है। रहने का जगह नहीं है? ऐसे छप्पर में रहते? छप्परी में रहते, झोपड़ी में। झोपड़ी में? जब से शादी होके आया तब से ऐसे ही रह रहे हैं? झोपड़ी में रहते हैं। और मायका में आपका था पक्का घर? पक्का हूँ, मायका में है। मायका में था? हाँ, मायका में है। तो और क्या दिक्कत है आपके घर पर? रहने का जगह नहीं है? रहने का जगह नहीं है और राशन कार्ड नहीं देता है किसी ने। अच्छा, आपका राशन कार्ड नहीं बना है? तीन बच्चे है, अभी तक राशन नहीं देता। किसको? बस आपके पति को राशन मिलता है? किसी को नहीं देता, पतियों को नहीं। उनका भी राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, उसको नहीं। तो नाम लिखवाने गए कभी? लिखवाया नहीं, देता है नहीं? देता नहीं। क्या बोलते हैं? पता है कि जब आएगा ना तब लिख लूंगा, लिख के ले जाता, देता नहीं।
लिखो नाम लिखवाने आया था यहाँ पर कभी? हाँ, कब आया था? पहले। बहुत पहले। हाँ। राशन कार्ड नहीं है, घर नहीं है। अच्छा, और बाकी यहाँ क्या है, लाइट वाइट है आपके घर पर? नहीं, लाइट नहीं। नहीं है? नहीं। वो वाली दीदी लाल वाली साड़ी वाली तो कह रही थी कुछ लोगों के घर है। कुछ घर कम है, मेरे घर में। आपके घर? दूसरा घर से निकल लेने हैं। दूसरा घर से निकालते हैं? हाँ, दूसरा घर से। तो फिर रात में क्या होता है, जब जैसे अभी तो दिन है, उजाला है, फिर रात में? रात में लाइन कट जाता है तो मोमबत्ती बारते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं, नहीं तो दीरी में पलिस्ता देखो, जैसे दीपावली मनाते हैं उसे घर में बार देते हैं। दिया जलाते हैं? दिया जलाते हैं। उसी में ही खाना भी बनाते हैं? उसी में खाना बनाते हैं, घर में लकड़ पर खाना बनाते हैं। लकड़ पर बनाते हैं। आपको वो गैस नहीं मिला, उज्ज्वला योजना? नहीं। आपको पता है उज्ज्वला योजना क्या है, नाम सुना है? नहीं। उज्ज्वला योजना, अच्छा प्रधानमंत्री को जानती है? नरेंद्र मोदी। हाँ, कभी सुना है? हाँ, सुना है। कैसे कैसे पता चला वो प्रधानमंत्री? मोबाइल में देखता हूँ। मोबाइल में देखते हो? अच्छा, तो प्रधानमंत्री ना, जिन महिलाओं के पास गैस नहीं है, वो तो जूसे झासा में बोलता है, वो थोड़े घर घर में देता है, सभी के थोड़े नहीं देता है, वो तो मुँह चिन चिन के देता है, ऐसे थोड़े नहीं देता। नहीं नहीं, गांव में प्रधान कौन है? प्रधान को जानती हैं आप इधर? नहीं जानते हैं। यहाँ तक वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं पहुंची नहीं है जो ऐसे वर्ग के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक योजना है जिसके तहत लोगों को घर मिलना चाहिए था, लेकिन घर नहीं मिला इधर, है ना? घर नहीं मिला इधर। क्या आपके घर को हटाने वाले भी आते हैं? हाँ, हटाने। एक बार इधर चलाया, फिर हटवाया, ये वोट के इलेक्शन में थप मारे, फिर वोट खत्म, फिर उजड़ना शुरू। अभी वोट है इसलिए नहीं उजाड़ रहे? अभी गौर पड़ रहा है जब मेरे वोट दबा, जब वोट खत्म हो जाए तो वोट कहाँ गई, गोर लगना कहाँ, मेरे को गोर लग, अब फिर घूर के ऐसे सोचना। कौन कौन नेता दीदी आपको पसंद है? मेरे तो, आप वोट देती हो ना? मेरे तो अवरीदा ना आया है, कभी नहीं मैं दिया। अवरीदा पहली बार आया है मेरे को। पहली बार आया है? पहली बार वोट दोगी? हाँ। क्या क्या सोच कर वोट दोगी, कौन नेता, कौन पार्टी आपको अच्छा लगता है? पता है चुनाव कौन कौन लड़ रहा है? मुझे नहीं पता है। नहीं पता? तो फिर कैसे, ऐसे फूल वाला कोई है और कोई हसिया वाला है, हसिया बाली वाला, तो किसको दोगी? हसिया वाला को देगी। हसिया वाला को देगी, क्यों? नहीं तो लालटेन छाप पर दूंगी। नहीं तो लालटेन छाप पर देंगे। फूल यानी भाजपा, गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। यहाँ ये सीट महागठबंधन के खाते में सीपीआई के हिस्से आई है, तो सीपीआई से जो हसिया बाली वो चुनाव चिन्ह कह रही है, उस पर अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं और वो लालटेन बोल रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। तो वहाँ मतलब इस बार तो उनका कोई कैंडिडेट इधर है नहीं, अब इस बार तो लालटेन नहीं है ना, इधर इधर नहीं लड़ रहा है लालटेन, किधर इधर इधर बस फूल और वो हसिया बाली लड़ रहा है। हसिया में क्यों डालोगी? हसिया में पहली बार डालूंगी तो आप जानती हो हसिया से लड़ कौन रहा है? नाम सुना है कभी? मैं तो नाम नहीं सुना। गिरिराज सिंह का नाम सुना है? अवधेश राय का नाम सुना है? हाँ, कौन है अवधेश राय? नहीं पता। और गिरिराज सिंह, उनका नाम भी नहीं सुना है? हसिया बाली जिसको आप बोल रही हो चुनाव चिन्ह में वोट डालोगी, हसिया बाली से अवधेश राय लड़ रहा है, ठीक है, और फूल से गिरिराज सिंह लड़ रहा है। देखो किसका देंगे। अब देखो किसका देंगे। कब बनवाया था ये टैटू? मेला में। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, अच्छा, तो कहाँ मेला कहाँ लगता है पूनम? इधर रजौरा में। रजौरा में? हाँ। और कौन से समय में लगता है मेला? जग हुआ, पूजा हुआ पर कथा कथा हुआ था तब मेला लगा था, तब बनवाई हो? तो क्यों बनवाया ये बताओ तो। अच्छा, मॉम डैड का मतलब पता है? हाँ। क्या है? मॉम डैड को प्यार बनाई, निशान। अच्छा, उनसे प्यार करती हो तो उसका निशान बनाई हो? हाँ। कहाँ रहती है तुम्हारी माँ? वहाँ पर रहती है। उधर पर रहती है? वो वाला घर है तुम्हारा? पूनम, स्कूल गई हो कभी? स्कूल गए थे, मगर टीचर पढ़ाया नहीं। हाँ।
मोबाइल चलाता था। हाँ। तो छोड़ दिए। हाँ। तो कौन सी क्लास तक पढ़ाई की हो, याद है कि कौन से क्लास तक स्कूल गई हो? अच्छा बताओ तो, इतने अच्छे से तो बता रही थी। कहाँ था स्कूल तुम्हारा? वहाँ पर ही पास में ही था। हाँ। तो कौन सी क्लास तक पढ़ाई की हो, याद है? टीचर पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर नहीं पढ़ाते थे। हाँ। मोबाइल चलाता, जो भी आता उसको गप में लड़ा के बकवास करने लगता था। हाँ। हमने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, घर में जाते हैं, घर में कुछ क्या पढ़ लेंगे। हाँ। घर में नहीं पढ़ाए, नहीं टीचर पढ़े। अच्छा, तो नहीं, कितने समय तक स्कूल गई, ऐसे एक साल दो साल कुछ याद है? कितने साल तक गई थी? जब छोटी थी तब गई थी। हाँ। क्लास टू, दो, तीन, चार, ऐसा कुछ याद है? कब तक का पढ़ाई करी हो? हाँ। कब तक का बताओ? वैसे थे तब पढ़े। उसके साथ ही पढ़ी थी? नहीं। हाँ। वैसे उम्र था। अच्छा, वैसा उम्र था। हाँ। अब कितने साल की हो गई हो पूनम? मालूम नहीं। मालूम नहीं है, ऐसे पता नहीं है कौन से साल में आपका जन्म हुआ था? नहीं नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। पूनम वोट देती हो? वोट का, वोट वाला कार्ड है, बनाए? नहीं, वोट कहाँ गिराते हैं। नहीं बनाए। राशन कार्ड है? नहीं, वो नहीं राशन देते हैं हमको, कुछ भी नहीं, खाली पापा को मम्मी को देते हैं, किसी को नहीं देते, नहीं भाभी को, नहीं भैया को। उनको भी नहीं मिलता है? नहीं। पूनम क्या चाहती हो आपके लिए, जैसे मान लो आपका कोई यहाँ के जो नेता जी हैं वो आपका वीडियो देख रहे हैं, वो पूनम के लिए क्या काम करे कि उसके लिए थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा मदद हो जाए पूनम को और पूनम की बाकी सहेलियों को? इधर ऐसे सोच के बताओ। हम क्या सोच के बताएं, झोपड़ी में रहते हैं सब, जैसे होगा वैसे जिंदगी, हम सूखे रोटी खा के जिंदगी काटते हैं, नीम के रोटी होगा जैसे होगा वैसे काट के खा के सब रहते हैं। तो चाहती हो नेताओं से तुम्हारे लिए कोई काम करें? चाहते हैं हम घर बना दें। हाँ, रोज रोज आते हैं यहाँ धमकी देने, सभी हटा दो इसके, इस पर घर, हम गथिया सोथी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सीढ़ी बनवाएंगे, सीढ़ी बनवाएंगे तो उतना दूरा सीढ़ी बनवा के छोड़ दिया अधूरा, नहीं हमको कुछ घर बनाने देती है, कुछ नहीं बनाने देती है। किसी नेता का नाम सुनी हो कभी? हाँ सुनी। तो कौन से नेता का नाम सुनी? शंभू देव। शंभू का, कौन है शंभू? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का? हाँ। और ऐसे बड़े जो नेता टीवी पर आते हैं उनमें से किसी का सुनी हो? हाँ सुने, बहुत के सुने। मुख्यमंत्री जानती हो कौन है तुम्हारा बिहार का? हाँ नहीं जानती। नहीं जानती हो? प्रधानमंत्री जानती हो? प्रधानमंत्री कौन है? राशन, जो राशन भेजता है वो कौन नेता है जानती हो? नहीं जानते। नहीं जानती हो, ठीक है पूनम, चलो तुम्हारा घर बन जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। इधर आ चुलबुल, इधर आओ, हमको अपना घर दिखाओगी? कौन सा घर है तुम्हारा? अपना घर दिखाओगी? कौन दिखाएगा? हाँ आओ, क्या नाम बताया था अपना? परमिया। क्या? परमिया। परमिया, तो हमें परमिया अपना घर दिखाओ, कहाँ है घर आपका? यहाँ पर है। चलो लेकर चलोगी? हाँ आओ। ये है और ये है। हाँ। अच्छा, दो कमरा का, इधर आओ। तो सोते किधर पर है? ऊपर। नीचे परी? हाँ। ऐसा बोरी डालकर? हाँ। और वो खटिया में कौन सोता है? भाभी जी। भाभी जी, अच्छा वो जो काली साड़ी में थी आपकी? हाँ। भाभी है। हाँ। और आप कहाँ, वहाँ नीचे सोती हो? हाँ। अच्छा, इधर पर खाना बनता है? हाँ। और इधर पर कौन रहता है? पर माँ रहते हैं। मतलब आपकी सासू माँ? नहीं ना। हमको माँ है, सासू माँ नहीं यहाँ है। आपकी माँ यहाँ रहती है? हाँ। अच्छा, तो आपकी शादी जहाँ हुई, ससुराल कहाँ है? मंझौल है। मंझौल, वो पास में पड़ता है?
उधर है हाँ। तभी घर आई हुई हो हाँ। कब से कब घर आई हो गए हैं 6 महीना 6 महीना हाँ। तो कितना उम्र है तुम्हारा जानती हो नहीं जानते नहीं जानती अभी तो तुम बहुत छोटी सी लग रही हो हमको कब शादी हुई थी तुम्हारी शादी को 6 महीना हुई शादी को ही 6 महीना हुआ हाँ। तो घर कब आई हो अभी तो घर कब आए कितना दिन हो गया 6 महीना हुए हैं 6 महीना शादी हो 9 महीना 9 दिन खाली हम अपना ससुराल में रहते हैं अच्छा हाँ वहाँ से आए हैं तो नहीं गए हैं ससुराल यहीं रहते हैं तो ससुराल वाले तुमको बुलाते नहीं है अभी नहीं फोन करते हैं हाँ। तो जब तक नहीं फोन करेंगे तब तक यहाँ रहोगी हाँ। यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है ससुराल में ज्यादा अच्छा लगता है नहीं ससुराल यहाँ कब भी रहेंगी ससुराल ही रहेंगी तो इसीलिए अभी यहाँ रह रही हो हाँ। ये दोस्त है तुम्हारी हाँ कोई दोस्त है हाँ। कौन यहाँ सबसे अच्छी दोस्त कौन है तुम्हारी पूर्णिया यही है यही है हाँ। तो इसी के साथ मेला जाती हो हाँ। अच्छा तो अभी इसका शादी तो हुआ नहीं है नहीं हुआ है नहीं हुआ है नहीं उसको करना है शादी बुलाओ पूछो करना है शादी बहुत मम्मी पापा को साथ रहना है हमको अभी शादी नहीं करना है इतना उम्र में नहीं करना है नहीं। वैसे घर वाले जबरदस्ती से नहीं करते कि नहीं नहीं अब करवा देंगे बोलते थे हाँ ऐसे तो बोलते हैं बोलते हैं हाँ बोलते नहीं इधर आना नहीं अच्छा तो जैसे तुम्हारी दोस्त की शादी हो गई तुमको बुरा लगा था जब उसका शादी हुआ हाँ बहुत बुरा लगा हमको हाँ बहुत क्योंकि हम दोनों बहुत करीब रहते हैं बहुत चाहते हैं हम दोनों साथ रहेंगे तो इसका इतना जल्दी क्यों शादी करा दिया इसका इतना जल्दी शादी करा दिया क्यों इसका भाई है बहुत बीमार है घिरा हुआ है इसीलिए कब उसका कोई ठिकाना भी नहीं है कि कब कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना है बाप भी इसका विकलांग है इसीलिए इसको शादी करा दिया है कोई नहीं रहेगा तो आप टूर रह जाएगा सब दिन के लिए मम्मी है खाली मम्मी क्या कर सकते हैं बाप भी विकलांग है भाई भी खटिया पकड़े हुए है कैसे काम चलेगा इसीलिए इसको शादी कर दिया है तुम करना चाहती थी शादी नहीं 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 करना था नहीं तो मना करा था मना कर रहे हैं नहीं मानते हैं तो हम क्या करते तो अभी खुश हो तो माँ बाप कर दें तो माँ बाप खुश है था हमू खुश है माँ बाप चाहती है कि बाल बच्चा हमेशा जहाँ जाए वहाँ खुश रहे जैसे कोई सपना है पूर्ण तुम्हारा जैसे कोई कुछ करना चाहती थी कुछ बनना चाहती थी सपना रहता था जो पढ़ लिख के हम बहुत आगे बढ़ेंगे पर क्या करें यहाँ हम गरीब दुखिया हैं कैसे हमको माई पढ़ाएंगे उसी में खाते हैं उसी में रहते हैं कैसे घर चलेगा कैसे रहेंगे इसीलिए तुम कभी स्कूल गए थे पूर्णिया नहीं कभी नहीं गए कभी स्कूल देखा भी नहीं नहीं क्यों ऐसे नहीं गए तुमको नहीं भेजा तुम्हारी दोस्त तो जाती थी कुछ समय दोस्त गए हम भी नहीं गए नहीं गए नहीं। तो वो जब जाती थी तो घर पे बोला नहीं कि मेरे को भी स्कूल जाना है तो हमको कहने हैं जाने के लिए हम भी नहीं जाते नहीं जाते थे नहीं अभी मन है स्कूल जाने का अभी मन है तो कहेंगे कि इसका शादी हो गया तो आप पढ़ने जाता है वैसे कहते हैं नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए हम सोचे थे पर पढ़ लिख के बहुत हम आगे बढ़ेंगे बहुत ज्ञान है बहुत बुद्धि है पर क्या करेंगे वह में खाना खाते वह में रहते हैं जगह भी नहीं है कैसे पढ़ाएंगे कैसे लिखाएंगे यहाँ का जनता भी नहीं सुनते भूमिहार भी नहीं करने देते है 100 रुपया देती है दिन भर कमाती है तो यहाँ पर वही में क्या करना सब्जी भी महंगा हो गया सब कुछ है कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे सब कोई पता भी नहीं क्या क्या जैसे मान लो पूर्णिया तुम हो तुम्हारी सहेली है तुम लोगों के लिए नेताओं को क्या काम करना चाहिए जिससे तुम्हारी मदद हो जाए कुछ इच्छा है कुछ चाहती हो उनसे कुछ कहना चाहती हो नेता रहने के लिए झोपड़ी में सब रहते हैं यह झोपड़ी में सब अथी करते हैं क्या नहीं बिजली देता है ठीक से नहीं नल भी चलाने के लिए देता है वह माता है सब अथी बिल खोजने के लिए है कहता इतना बिल दे दीजिएगा
नहीं पानी भी देता, नहीं कल भी यहाँ पर है, कल भी नहीं गराने के लिए देता, कुछ भी यहाँ नहीं होने देता। कल अगर आता है सब मिल को उखाड़ देते हैं कलों को, चापा कल को। हाँ चापा कल वहाँ पर एक है ना। हाँ तो ये है वो हैंडपम्प, जब हम इस गांव में आए थे तो हमने ये बोर्ड लगा हुआ देखा, इसमें लिखा है जल जीवन हरियाली अभियान, और नीतीश कुमार जी का नाम लिखा है। 26 अक्टूबर 2019 को इस अभियान के तहत ये चापाकल, उसको हैंडपम्प भी कहते हैं, वो लगा था और रिमोट से योजना का शिलान्यास किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लिखा हुआ है बोर्ड पर कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा रिमोट से योजना का शिलान्यास किया गया। क्या थी वो योजना? वो योजना ये थी, इस पूरे गांव में विकास के नाम पर अब तक मात्र एक यही चीज़ है जो पहुंच पाई है, और घरों का क्या हाल है, बाकी योजनाओं का क्या हाल है, इन लोगों को क्या मिला है और ये क्या उम्मीद करते हैं, ये सब आपने इनके ही मुँह से सुना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये महादलित समुदाय से आने वाले लोगों का गाँव है जिसको मुसहर समाज कहा जाता है, जीतन राम मांझी इसी समाज से हैं, और जो अभी जाति जनगणना का सर्वे आया उसमें यही बात सामने आई कि मुसहर समाज के करीब 45% जो आबादी है वो इसी तरह छप्पर के घरों में ही रहती है, और भी कई बातें उस डेटा में सामने आई है कि इस समुदाय के अधिकतर लोगों के बच्चे 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाते, तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। कोई सवाल कर सकता है कि क्यों नहीं पढ़ पाते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री है, लेकिन जैसा बताया कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, पढ़ाई ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, और साथ ही साथ इन लोगों में भी जागरूकता की कमी है, इनको पढ़ाई की अहमियत नहीं पता, वो कीमत नहीं पता। ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, वो कमाते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ यहीं रहकर मजदूरी करते हैं, वैसे इनका घर चलता है। लेकिन जब हम चुनाव कवर करने निकले हैं तो हमारी कोशिश है कि इस देश के हर समाज हर तबके तक पहुंचा जाए, आपको उनका हाल बताया जाए ताकि आपको एक असल तस्वीर पता चले भारत की कि वो है क्या, ये देश का हाल क्या है, और इस देश के अलग अलग समाज से आने वाले अलग अलग वर्गों से आने वाले लोगों का क्या हाल है। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी चुनाव यात्रा की कवरेज जारी है, हम हर तरह के हर तबके के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है, ललन टॉप देखते रहिए।